कुर्ता कैलकुलेट द फैब्रिक एज डबल द लेंथ एंड प्लस वन स्लीव लेंथ इफ द स्लीव इज 3/4 इंच और फुल लेंथ फॉर द शॉर्ट स्लीव इट इज़ नॉट नीडेड दैट वी कैन एडजस्ट हियर एंड देयर एंड यू कैन गेट योर स्लीव पार्ट ऑल्सो फोल्ड द फैब्रिक एज पर द फ्लेयर ऑफ द कुर्ता एंड प्लेस योर बैक पार्ट दिस वे फ्लेयर विल बी डाउनवर्ड्स एंड द नेकलाइन विल बी एट द सेंटर Same way opposite side front part and place the sleeve in this area so that you can get the width also and the length also for the short sleeve. Sleeve length is 3/4 or full length then you can place like that. This is the back part, front part and one sleeve length. And this fabric you can use for the neck patti or you can cut yoke or anything whatever you want to enhance that we can use the fabric. Now place the paper pattern this way on the fabric on the fold. This is the back part, this is front part and the sleeve. After placing, fix with the all pin and draw the outline to cut. Mark after marking on the fabric by the paper pattern cut this way. Already cutting part is over for the back part. After cutting the back and front part, place this way, front and back part to cut the neck strip to finish the neckline. Place the front and back in such a way 1/2 inch overlap on the shoulder so that it will go on shoulder seam. Now mark the outline of the neck shape. Now remove the parts and draw 1.5 inch minimum width of the same shape of the neck strip. इस तरह से पहले दिस वे फर्स्ट कट द नेक शेप विच वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द फ्रंट एंड बैक पार्ट व्हेन यू आर प्लेसिंग फॉर द नेक स्ट्रिप ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द फोल्ड बोथ साइड वी आर गेटिंग फोल्ड फॉर द फ्रंट एंड द बैक कट द नेक स्ट्रिप अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन मार्किंग विच वी हैव डन The next strip is ready to stitch. सबसे पहले आगे और पीछे के डार्ट को सी लेंगे सबसे पहले इस तरह से फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टिचिंग इज टू स्टिच द डार्ट ऑफ द फ्रंट एंड बैक ठीक निशान के ऊपर इस तरह से सी लेंगे स्टिच ऑन द मार्किंग ऑफ द डार्ट फ्रंट एंड बैक बोथ इस तरह से आगे और पीछे के भागों को के डार्ट को सिल लेंगे एक एक डार्ट ऑलरेडी मैंने पहले से सिल लिया है ऑलरेडी आई स्टिच्ड वन डार्ट फॉर द फ्रंट एंड फॉर द बैक सो दिस वे फर्स्ट स्टिच द डार्ट्स को दिस वे स्टिच द शोल्डर ऑफ द फ्रंट एंड बैक दोहरी सिलाई कर ले कंधे के ऊपर दोहरी सिलाई कर ले स्टिच ट्वाइस डबल स्टिच शुड रिक्वायर फॉर द शोल्डर फॉर द स्ट्रेंथ इस तरह से बांह के नीचे के घेरे को इस तरह से मोड़ कर
and stitch the edges of the fold of the sleeve. एक एक और पिन निकालते जाएं, स्टिच करके पूरा करें। मैंने एक वहाँ को इस तरह से स्टिच पहले से ही कर रखा है। आई हैव डन वन स्लीव एंड नाउ एक स्टिच होने के बाद इसके एजेस पर किनारों पर एक स्टिच और कर लेंगे। टर्न द स्लीव ऑन द राइट साइड, वन मोर स्टिच ऑन द एजेस। बांह लगाने के लिए बांह के सेंटर पर, आर्म होल के सेंटर पर इस तरह से एक छोटा सा कट मार्क लगाएंगे और इसको शोल्डर सीम के साथ मैच करेंगे। फोल्ड द स्लीव एंड कट अ स्मॉल नॉच मार्क दिस वे ऑन द सेंटर ऑफ द आर्म होल ऑफ द स्लीव एंड मैच दिस विद द शोल्डर सीम ऑफ द बॉडी एंड फिक्स विद ऑल पिन। इसके बाद बांह को कुर्ते के दोनों एंड से इस तरह से मैच कर देंगे। नाउ मैच द एंड्स ऑफ द स्लीव एंड द कुर्ता दिस वे एंड फिक्स विद द ऑल पिन। दोनों किनारों को इस तरह से मैच करके पिन लगा देंगे। पिन लगा देने के बाद सेंटर को, शोल्डर को और साइड सीम को इस तरह से पकड़ेंगे। नाउ होल्ड द शोल्डर एट द सेंटर एंड द साइड सीम दिस वे एंड स्ट्रेच टू मैच द एजेस ऑफ द स्लीव एंड बॉडी। इस तरह से बांह और इसको मैच करके यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। इसके बाद चारों तरफ से एजेस को मैच करके इस तरह से ऑल पिन से फिक्स कर लेंगे। क्योंकि स्लीव का भाग गोलाकार है इसलिए इसका एज दोनों किनारों को मिलाने में ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन इस तरह से ऑल पिन से फिक्स कर लेने से बराबर मैच हो जाता है। बिकॉज स्लीव एंड बॉडी आर्म होल पार्ट इज कर्व्ड, सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू मैच द एजेस, बट व्हेन यू होल्ड द शोल्डर एंड द साइड सीम दिस वे एंड मैच द एजेस दिस वे देन इट विल बी ईजी टू स्टिच द स्लीव। इस तरह से एजेस को मिला लें और जिससे सिलने में आसानी हो जाती है, सो दैट स्टिचिंग ऑफ द स्लीव विल बी easy this way। मैंने एक स्लीव को इस तरह से पिन लगा के रखा हुआ है। वन साइड ऑफ द स्लीव ऑलरेडी पिनड अप प्रॉपरली एंड इट्स रेडी टू स्टिच। अब ये सिलाई करने के लिए तैयार है। एक एक पिन निकालते जाएंगे। Now stitch the sleeve to join by matching. Remove one by one all the all pins which we have fixed. इस तरह से edges को match करते जाएंगे, सिलकर जोड़ देंगे। Match the edges to join the sleeve. एक तरफ की बांह सिलकर तैयार है। वन साइड ऑफ द स्लीव इज रेडी आफ्टर ज्वाइनिंग द स्लीव। It is already stitched one side of the sleeve. अब इसके बाद साइड सीम के लिए मार्क करेंगे।
ये 4 to 9 पर 1 इंच का निशान लगाएंगे, वेस्ट लाइन पर 1 इंच का निशान लगाएंगे, वेस्ट लेंथ जो लिया हुआ है वहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे, और उसके नीचे 6 इंच का मार्क लगाकर 1/2 इंच का निशान हिप लाइन के लिए लगाएंगे, बाकी का नीचे का हिस्सा खुला रहेगा। नाउ मार्क फॉर द साइड सीम, हाफ ऑफ द स्लीव बॉटम ऑलरेडी वी मार्क्ड हियर ऑन 4 to 9 1 इंच, आफ्टर दैट वेस्ट ऑन द वेस्ट लेंथ अगेन 1 इंच, एंड आफ्टर वेस्ट लेंथ 6 इंचज डाउन, दैट इज फॉर हिप लाइन देयर इज 1/2 इंच। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स फॉर द साइड सीम, इस तरह से सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे और साइड सीम के लिए निशान बनाएंगे। अलोंग विद द स्लीव मार्क द साइड सीम लाइन दिस वे, बांह के साथ ही साइड सीम लाइन के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। और सिलते समय ये यहाँ पर स्टिच को इस तरह से किनारे पर मोड़ेंगे नहीं, स्टिच यहीं ख़त्म करेंगे और यहीं से वापस टर्न करेंगे। नो नीड टू टर्न दिस 1/2 इंच सीम टूवर्ड्स द एजेस, कीप इट हियर ओनली, एंड हियर एंड टर्न बैक फॉर द डबल स्टिच। दोनों तरफ इस तरह से सिलाई के निशान का मार्क कर लिया और अब सी लेंगे।